गुरमुख प्यारिओ, नानकसर कलीरां विखे लंगर नहीं पकता, पक्या पकाया आउंदा है, पर थुड़दा किसे नूं नहीं। इस गल दी चर्चा संसार विच बहुत होण लग पई ते गल्लां होण लग पईआं कि इह तां बहुत वड्डा चमत्कार है। इतने वड्डे वड्डे इकट्ठ विच वी भुखा कोई रहिंदा नहीं, किवें संगतां प्रशादे सिरां ते चुक्की आउंदियां हन। संसार दा तां सिर झुक गया इह प्रतख चमत्कार देख के, पर ईरखालू लोग उन्हां दे कलेजे सड़ गए। उही गल जिवें तुसीं पहलां सुणिया सी ना कि हाथी दे मगर कुत्ते क्यों पए हन, की तकलीफ सी उन्हां नूं। उन्हां नूं होर कोई तकलीफ नहीं सी, बस एक तकलीफ सी इस दे अगे नमस्कार क्यों करदे हन। इस तरह निंदकां नूं भी नानक सर दी जिस मर्यादा तों संगत प्रभावित हो रही सी, जिस करके उन्हां ने निंदा शुरू कर दित्ती अते कहना ये शुरू कर दिता कि जिथे लंगर नहीं पकदा वह गुरद्वारा ही नहीं। तो कई भोले पाले लोग इन्हां दे मगर लग भी जाते हैं, पर जिन्हां ते गुरु नानक की कृपा है, सच देखिया है, सच की सोझी है, सच नाल जुड़े हैं, दिल दिमाग तो कम लेंदे हैं, वो इन्हां दियां ये गल्लां विच नहीं आउंदी। ते जो गुरु ग्रंथ साहिब की प्रगट समझ के इत्थे सेवा की जाती है वह इन्हां नूं नज़र नहीं आ रही, पर उस सेवा नूं भी ये पखंड कहिंदे हैं। वह कहिंदे हैं कि ये तां सिर्फ ज्ञान लैण वास्ते एक पुस्तक है, इस नूं संभाल के रखण की लोड़ है, सलाब तो बचाउण की लोड़ है, सत्कार की लोड़ नहीं। मैं उन्हां नूं पुछदा कि फिर तुसीं प्रगट गुरां की देह क्यों कहिंदे हो, दसां पातशाहियां की जोत क्यों कहिंदे हो, भोग क्यों लवाउंदे हो, चौर साहब क्यों करदे हो, अरदास क्यों करदे हो, फिर तां तुसीं आप पखंड करदे हो। अंदरों कुछ होर है, बाहरों कुछ होर हो। कई कहिंदे हन पखा चलाउणा एसी लाउणा पखंड है, इस ग्रंथ नूं किहड़ा गर्मी सर्दी लगदी है। ओ भले लोको, जदों बंदा मर जांदा है तां उस दे शरीर नूं गर्मी सर्दी कुछ नहीं लगदा, पर जदों उस विच जोत मौजूद हुंदी है तां उसे शरीर नूं गर्मी भी लगदी है, सर्दी भी लगदी है। भाव है कि ये गर्मी सर्दी उस अंदर जो जोत है उस नूं लगदी है। ते हुण तुसीं जदों अरदास करदे हो कि दसां पातशाहियां दी जोत धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, ते जे वह दसां पातशाहियां दी जोत है तां फिर इन्हां चीज़ां दी जरूरत किवें ना होवेगी। हुण इन्हां नूं कोई पुछे कि जिहड़े पिंडां जां शहरां विच छोटे छोटे गुरद्वारे हैं उत्थे किहड़ा प्रशादा पकदा है, कदे कदे जे कोई वड्डा प्रोग्राम होवे तां बेशक पका लैण, नहीं तां दो चार सिंघां वास्ते डाली वाला जांदा है, पिंडां विच्चों प्रशादे लै आउंदा है, तां फिर तुहाडे हिसाब नाल तां उह वी गुरद्वारा ना होया। प्रशादा उत्थे पक्के जां बाहरों आवे कोई फर्क नहीं, गल तां है कि मिलदा तां है। पता निंदकां नूं वी है कि इस गल विच कोई फर्क नहीं, पर निंदा करन वास्ते कोई बहाना तां चाहीदा है। लोग विचारे कई भोले हुंदे हन जो इन्हां दे मगर लग जांदे हन, आप तां इह सब कुछ समझदे हन। जिवें गल करिए सन 47 तों पहलां दी, जदों अंग्रेज़ां ने 1932 जां 33 विच बिजली बनाई जो कि देश की तरक्की वास्ते बहुत जरूरी सी, तां साडे लीडर जो सन वो सब कुछ समझते सन भी ये तो देश तरक्की दे रस्ते ते जा रहा है। पर उन्होंने सोचा कि जे इस तरह अंग्रेज़ देश लई काम करते रहे तो लोगों सुख सहूलत मिलदिया रही असी अंग्रेज़ों इतों कढ नहीं सकांगे। तो उन्होंने एक शोशा तैयार किया, उन्होंने ये आखिया कि अंग्रेज़ों ने पानी विच्चों बिजली कढ रही है, हुण ये पानी साढ़े पीण योग नहीं रहा क्योंकि इस विचों ताकत निकल गई है। तो लोग विचारे इन्हां दे पिछे लग गए क्योंकि विचारे भोले अनपढ़ सन, पर लीडर जानदे सब कुछ सन क्योंकि वो तां पढ़े लिखे सन।
कोई वकील सी कोई जज सी उन्हां नूं पता सी कि साढ़े हथ राज आया असी अपने वास्ते सारे सुख बना लवेंगे तो लोगों की सानू कोई फिक्र ही नहीं है। इस तरह हियां होर भी बहुत चंगीआं गल्लां सन जिन्हां दा विरोध करदे रहे, जिवें कि रेलां नहरां अंग्रेजी दवाइयां, ये सारे तरक्की वाले काम अंग्रेजां ने ही कीते सन, पर लीडर सब कुछ समझदे होए भी विरोध करते रहे कादे वास्ते, अपने स्वार्थ वास्ते। इस तरह गल्लां करके नानकसर का विरोध कर रहे हैं, इन्हां दा कोई तुक नहीं बनता, पर इन्हां नूं नानकसर का सत्कार बर्दाश्त नहीं है। हुण जो पिछे जे हिंदुस्तान विच लॉकडाउन होया और कुछ ना कुछ चल भी रहा है, पर नानकसर लंगर लोड तो वध आउंदा रहा अते तकरीबन 1200 बंदे का लंगर लोड़वंदा नूं भेजा जा रहा सी। एक थां ते इकट्ठा कर लिया जांदा, जिवें कि बाबा कुंदन सिंह जी दे बाग विच्चों, बाबा गेजा सिंह जी दे अस्थान तो, बाबा जोगिंदर सिंह जी साध वल्लों सारा लंगर इकट्ठा करके महंत बाबा प्रताप सिंह जी दे लंगर विच भेज दिता जांदा, अते अगों महंत बाबा हरबंस सिंह जी वल्लों वखरियां वखरियां थावां ते प्रशासन की सलाह नाल लोड़ अनुसार लंगर भेजा जाता रहा। बाबा गुरचरण सिंह, बाबा गुरजीत सिंह, बाबा सेवा सिंह जी वल्लों भी भाई गुरसेवक सिंह जी दे जत्थे की ड्यूटी लाई गई, जो कि दिन रात एक करके जिथों कितों तैयार करवा के 1500-1500 बंदे वास्ते हर रोज़ प्रशादा भेजते रहे हैं। सो गुरमुखो, प्रशादा पक्के जा ना पक्के, गल तां लोड़ पूरी होण दी है। हुण जरूरी है कि लंगर वास्ते जां सेवा करन वास्ते ड्रामा कीता जावे। हाँ, जिहड़े ड्रामा करदे हन, प्रचार करदे हन, वो सिर्फ प्रचार ही करदे हन जां ड्रामा करदे हन, सेवा ना मात्र भी नहीं। ते जिन्हां दे मैं नाम लए हन ये सेवा कर रहे हैं और सारा इलाका गवाह है, इस विच कोई अतकथनी नहीं है। नानकसर कलेरां विखे बाबा कुंदन सिंह जी दे बाग विच एक होम्योपैथिक डॉक्टर चाल साहब, जो कि हर सोमवार सवेरे 8 बजे संगत नूं फ्री दवाई दिया करते हैं, संगत बहुत लाहा लैंदी है। ये देख के बाबा हरभजन सिंह जी का फुरना होया कि सिर्फ सोमवार ही क्यों, वो भी सवेरे सवेरे, तो बाकी 6 दिन खाली क्यों रहन। तां उन्होंने हुक्म किया कि हर रोज़ दवाई देने का प्रबंध करो। तो डॉक्टर बलविंदर सिंह जी जगराओं वालिया ने इस बचन ते फुल चढ़ाए, ते सुख सागर चैरिटेबल सोसाइटी रजिस्टर प्रेजीडेंट बलविंदर सिंह ते चेयरमैन हरबंस सिंह गिल टरंटो अते होर भी सेवा करन वाले सज्जणा ने यह कार्ज आरंभिया। नानकसर मेन गेट पूर्णमाशी वाला वड्डा जोड़ा कर उत्थे कमरा बनाया, जिथे कि हर रोज़ होम्योपैथी दीआं दवाइयां फ्री दित्तियां जांदियां। लुधियाणा विखे तकरीबन 8 दे करीब हन। जगराओं पुल दे थले एक सिदमा बेट, एक मोगे, एक दिल्ली भी बनाया जा रहा है। ये सारियां सेवा दे तौर ते ही चल रही हैं। डॉक्टर साहब का कहना है कि इंडिया विच किधरे भी डिस्पेंसरी वास्ते कोई जगह देवे तां उत्थे ही इस तरीके अनुसार डिस्पेंसरी खोली जाएगी। 8-10 साल तो बहुत ही सफलतापूर्वक ये डिस्पेंसरियां चल रही हैं। अते संगतां दा कहना है कि होम्योपैथी दवाइयां असी होर भी बहुत खांदे रहे हाँ, पर जो सानू इथों दवाई लैण तो बाद आराम महसूस होया है होर किधरों नहीं। अते कई पुछदे हन कि डॉक्टर बलविंदर सिंह ने डॉक्टरी कीती हुई है। मैं कहा मैनू ये तां पता नहीं, पर बाबा कुंदन सिंह जी दा इन्हां ते आशीर्वाद जरूर है, अते ओह डॉक्टर कह के बुलाउंदे सन तो डॉक्टर ही बना दिता। सो कहण तो भाव कि बाबा हरभजन सिंह जी का फुरना सी कि दुनिया लाहा लवे, इसलिए नाम जपण वालियां दा फुरना होवे ते फिर निरंकार पूरा ना करे। सब निदान 10 अष्ट सिदान ठाकुर कर तल धरिया, 9 निदां 18 सिद्धां निरंकार ने अपनी तली ते रखियां हुई हन।
जिग्यासू ने पूछा कि सच्चे पातशाह ये सब कुछ हर वेले तली ते क्यों रखिया होया है। तां निरंकार ने जवाब दिता कि जेड़े मेरे भगत मेरा नाम जपते हैं, मेरी सेवा करते हैं, तो मेथों मंगते कुछ नहीं, तो मैं उन्हां दा करजाई हो जाता हाँ, तो मैं उन्हां दे फुरने दी उड़ीक करता हाँ कि कदे कोई ऐसा फुरना बनाउण ते मैं बिना ढिल कीतियां उसकी झोली भर दियां। बाणी विच वी दर्ज है, रिद्ध सिद्ध जां को फुरी तब काहू स्यों क्या काज। एक भगत तां रिद्धि सिद्धि की आराधना करते हैं, तो एक वो भगत हैं जिन्हां दे फुरने नाल रिद्ध सिद्ध आपे वरत जांदी है, उन्हां नूं फिर किसी की मुथाजी नहीं रह जांदी। सो गुरमुखो, ये नाम जपण वालियां दी कमाई है। तो कहण तो भाव ये सी कि नानक सर विच लंगर नहीं पकदा, पक्या पकाया आउंदा है पर थुड़दा तां नहीं, किसी नूं भुखा तां नहीं मोड़िया जांदा। इस गल ते नुक्ताचीनी करनी, ये आप सोचो तुसी भी किन्नी कु जायज है। सो गुरमुखो, नानकसर विखे श्री अखंड पाठां दीयां कोतरियां बहुत चलदियां हन हर बरसी ते हर पूर्णमाशी ते, पर गुरमुखो मैं एक बेनती करदियां कि इन्हां कोतरियां ते भेटा नहीं दित्ती जांदी। वैसे वस्त्र वगैरह दी सेवा कीती जांदी है अते पाठ पाठी अपनी भावना अनुसार करदे हन। वैसे जो पाठी बाहर अंदर संगियां दे घरां विच पाठ करदे हन अते भेटा लैंदे हन, पर इत्थों नहीं, इस तरह दियां कोतरियां बेअंत थावां ते चलदियां हन। अते सब तो पहलां इस इलाके विच जो पहली कोतरी पिंडर कलां विखे तकरीबन 1940 विच संत बाबा सुंदर सिंह जी ने करवाई सी, अते अज कई इस गल नूं लै के कोतरियां दा विरोध करदे हन। उन्हां दा कहना है कि यह तां सिर्फ ज्ञान ही लैना है, इस तरह 100-100 पाठी इकट्ठा पाठ करता है तो सुनन वाला कोई नहीं, इसका की फायदा। पर वो भलियो की तुसी बाणी पढ़न दा कोई महात्म नहीं समझते, चलो तुहाड़ी गल ही मन लैंदे हाँ, पर दूजे पासे जे आपां सोचिए कि जो भेटा लैके पाठ करते हैं कि उन्हां दी रोजी रोटी का साधन नहीं बनता, और भेटा लैके भी पाठ करन वाले जो श्रद्धा भावना दे नाल पाठ करते रहे, दिलों गुरु नूं समर्पित हो के हाजिर नाजर समझ के करते रहे, उन्हां पुराने पाठियां दे विचों कुछ कु नाम मेरे कोल हन, उन्हां दा मैं जिक्र करां, जिवें कि भाई दान सिंह जी माणूके वाले, भाई सुचा सिंह जी झोरड़ा वाले, भाई लाभ सिंह जी माणूके वाले। गुरमुखो, ये बाबा जी दे चरणां विच पाठ की सेवा करते रहे, अते भाई दान सिंह माणूके वालियां दे अज भी जाके परिवार विच तक्को किवें बाबा जी की कृपा रहमत इन्हां ते हुई, किड्डे किड्डे वड्डे अहुदियां ते अगों परिवार, क्योंकि अंदर श्रद्धा सी, भावना सी, बाबा आनंद सिंह जी की इन्हां ते खुशी सी। तो एक पासे तां तुसीं कहिंदे हो कि गरीब का मूँह गुरु की गोलक है, कि पाठी सिंह गरीब नहीं, किन्ने हजारां परिवार रोटी खा रहे हैं। एक मिसाल ताजी देंदा हाँ, जिवें आ हुण लॉकडाउन होया सी, एक गुरमुख जिसकी आमदन के सारे जरिए बंद हो गए, पर वो पाठ करन जानदा सी, उसने किसी महात्मा नाल गल कीती, उसने पाठ करन ला लिया ते उसका गुजारा टुर पिया, ते हुण अगों भी वह कारोबार छड के पाठ करन नूं पहल दे रहा है, क्योंकि कारोबार तो लोगों के रुल गए हैं। ये एक मिसाल मैं तुहानू दिती है, इस तरह दियां हजारां मिसालां होणगियां। इस तों भी अलग गल है कि नानक सर की मर्यादा विच श्री अखंड पाठ साहिब के नाल श्री जपजी साहब का पाठ रखिया जाता है, उसका एक भाव तो यह है कि अखंड पाठी भाव श्री गुरु ग्रंथ साहब की रौल ला रहा पाठी, उस कोलों जे किधरे जाने अणजाने ढिल मठ रह जाए तो नाल जपजी साहब का पाठ होण करके पाठ विच कोई फर्क ना पवे, तो दूजा कोई गुरु ग्रंथ साहिब तो पाठ नहीं कर सकता तो जपजी साहब का ही पाठ कर लवे, घर का गुजारा तो चल जाएगा। धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज बड़े गरीब नवाज सन, उन्हां दी बहुत लंबी सोच सी, ते हर गल विच किसी का भला ही सोचते सन। ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों के तो हर फुरने विच
ਭਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਮੂਹਰੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨਣਾ। ਕਿਉਂ ਬੰਨਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦੀ ਹਵਾ ਨਾ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਥੁੱਕ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਆਵਾਸੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਿੱਛ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਭਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਐਸੀ ਵਿਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਬੰਨਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥੁੱਕ ਜਾਂ ਉਬਾਸੀ ਜਾਂ ਖੰਘ ਜਾਂ ਨਿੱਛ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖਲ ਬਾਰੇ। ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਜੋ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖਲ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰ ਕੋਰਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਜਤੀ ਸਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਗ੍ਰਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਪਰਸ਼ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਬਚ ਕੇਲੇ ਫਲ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਭਾਵ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਸਪਰਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਫਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੇਰ ਆਪ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਰੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੀਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖਲ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖਲ ਵੀ ਜੇ ਵਿਛੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀੜਾ ਪਤੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸਦੀ ਖਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੌਥਾ, ਜੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖਲ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਣ ਹਨ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖਲ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਸ ਖੁਰਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਗਊ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਘਾਹ ਖਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਭੁੱਖੀ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਣਾਈ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ? ਮਾਸ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮਾਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਸ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ? ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ, ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦੇ, ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸਲ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ, ਜਿਚਰ ਘਟ ਮੈਂ ਸਾਹੋ। ਆਖਿਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਤਾਂ ਹੈ ਸਵਾਰਥ ਦੀ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜੋ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਸਨ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਛਾ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ, ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ। ਇੱਕ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰਲੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਾਤਾਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਆ ਗਈਆਂ,
ਔਰ ਏਡੀ ਕਾਲਣਾ ਅਤੇ ਏਡਾ ਸਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਦਾਤੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਸ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਭੇਜ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਮਰਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਣ ਹਨ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਬਾਰੇ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਨਕਸਰ ਬਾਰੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ NVI ਨਾਨਕਸਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।